हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सत्कार हीरो 30 वर्षों का विश्वास। छिंदवाड़ा की बेटी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल, लगा बधाइयों का तांता, शुभकामनाएं देने पहुंचे संगठनों के प्रतिनिधि। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ने से लगी जेबों में आग, बस एसोसिएशन सेवा समिति ने पुतला फूंका। भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा परिवार, सदस्यता अभियान में वार्ड वार्ड पहुंच रहे नेता। और अच्छी बारिश के लिए ऊपर वाले को मनाने में जुटे लोग, कहीं अखंड रामायण तो कहीं भंडारा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। सुश्री अनसुईया उइके छिंदवाड़ा की वह बेटी जिसका नाम आज समूचे देश की जुबान पर है, छात्र राजनीति से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाली सौम्य, सीधी, सरल, मिलनसार और गंभीर सुश्री अनसुईया उइके छत्तीसगढ़ की राज्यपाल बनाई गई हैं। विधायक का चुनाव जीतने के बाद उन्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। सीएम अर्जुन सिंह के जमाने में मंत्री और फिर भोपाल से राज्यसभा सदस्य सुश्री अनसुईया उइके पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने से पहले अपनों के बीच पहुंची हैं। उनके निवास पर बधाइयां और शुभकामनाएं देने वालों का सिलसिला अनवरत जारी है। यह सिलसिला साफ बताता है कि दीदी को लोग कितना चाहते हैं। छिंदवाड़ा की यह बेटी हर दिल में काबिज है। हमेशा ऊर्जावान और स्फूर्त सुश्री अनसुईया उइके के निवास पहुंचकर जिले के समाज सेवी, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी तथा जनसामान्य सभी अपनी अपनी तरह से बधाइयां और शुभकामनाएं प्रदान कर रहे हैं। अरे खुशी के आप सब लोग गवर्नर बन गए हैं, आप सब लोग गवर्नर बन गए हैं। इतना सम्मान जो है ये पूरे समाज के लिए, आप सबको सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी का सघन सदस्यता अभियान इन दिनों समूचे देश में युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। पार्टी के केंद्रीय एवं प्रांतीय संगठन के निर्देश अनुसार जिले में और शहर में भी भाजपा नेता वार्डो में पहुंचकर सदस्यता अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। छिंदवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जोरों से चल रहा है। आज माननीय चौधरी चंद्रमान सिंह जी और प्रदेश मंत्री माननीय कनीराम जी के द्वारा वार्ड नंबर 18 और 21 में घर घर जाकर लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य मोबाइल द्वारा एवं फॉर्म भरा के बनाया जा रहा है। ऐसा पूरे छिंदवाड़ा नगर में अलग अलग लोग जाकर सदस्यता अभियान में भाग लेकर लोगों को सदस्य बनाने की प्रेरित कर रहे हैं। सदस्यता अभियान
निरंतर चालू है और आज से जो विस्तारक के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में जाके सदस्यता अभियान प्रारंभ करना है उसकी आज शुरुआत यहाँ के हमारे विस्तारक श्री अभिलाष गौहर जी और श्री शिव मालवी जी, प्रदेश के मंत्री कन्हैया राम जी, सदस्यता अभियान प्रभारी धर्मेंद्र निगरान जी और सभी कार्यकर्ता आज से इसको प्रारंभ करके और सघन सदस्यता अभियान चला के जो प्रदेश भाजपा द्वारा 1.5 लाख का लक्ष्य दिया गया उसको पूरा करके और अधिक सदस्य बनाकर और भाजपा को और सशक्त माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों के कारण, उनकी कार्यप्रणाली के कारण, उनकी योजनाओं के कारण जनता में विशेष आकर्षण भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में है और बहुत उमंग और उत्साह के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के लिए उत्सुक हैं। मैं सभी कार्यकर्ता और जनता से भी आग्रह करूंगा अधिक से अधिक संख्या में भाजपा के सदस्य बने, क्योंकि भाजपा एक राष्ट्रवादी संगठन है जो जिसकी पहली प्रायोरिटी राष्ट्र है, राष्ट्र के लिए काम करने वाली पार्टी है। आइए हम सब मिलकर भाजपा को सशक्त मजबूत करें। परासिया रोड में आज लाजवाब जायके का नया ठिकाना खुला। रंगला पंजाब नामक रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग आज पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना के मुख्य अतिथि में हुई। मुख्य अतिथि दीपक सक्सेना ने बकायदा रिबन काटकर रंगला पंजाब रेस्टोरेंट की ओपनिंग की। इस मौके पर मेजबानी के लिए रंगला पंजाब के डायरेक्टर एवं न्यू भारत सीविंग मशीन इंडस्ट्रीज राजवीर ऑटोमोबाइल्स के संचालक कैथ परिवार के सदस्य इंद्रजीत सिंह कैथ, श्रीमती सतनाम कौर कैथ, प्रभजोत सिंह कैथ और रविन्द्र सिंह कैथ सहित गणमान्य अतिथिगण मौजूद थे।
अरासिया के कस्तूरबा गांधी छात्रावास में 20 जुलाई की शाम भोजन करते ही छात्राओं की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें परासिया उपस्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन 17 छात्राओं की हालत देखते हुए जिला अस्पताल लाना पड़ा। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सभी 17 छात्राओं की हालत अब पहले से बेहतर है, इलाज जारी है। स्ट्रेचर ले आ यार भैया, पैदल मत उतारो। ये बार स्टेबल है, बाकी सब इसमें जाएंगे ना स्ट्रेचर में। आओ लाना स्ट्रेचर में, तो बहुत तो बाटो उतारो यार, बाटो ले लेंगे। अरे मत लगाओ उसको, अब अंदर लगवा लेने जाओ। यहाँ अभी और ला रहे हैं दीदी। क्या हुआ? कितनी उम्र है बेटा? खाना कहाँ खाई? कैसा लग रहा है? कितने बजे? और आज बाजार भी थी कहीं? बाजार में पूरा निकाली, खाना खाने से बीमार हो गए। एक क्या नाम है? लक्ष्मी। कैसे बीमार हो? तो तुम छात्रावास में थे? स्कूल में गई? तो सुबह के समय खाया खाना? हाँ। क्या खाए थे? और अच्छा, और कितने बच्चे थे साथ में जिन खाए थे? बहुत से थे, पर कोई बीमार नहीं था। बाहर बाजार के खुले आज बाजार खुल गए? नहीं, आप बाजार खुले? नहीं, हम बाजार। छात्रावास में खाए? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़े? आज। क्या नाम? फिर तो हम लोग 17 बच्चे लेके आए थे। अच्छा, उसके बाद फिर और आए बच्चे, तो कितने आए ये नहीं मालूम है। क्या करते हैं आप हॉस्टल में? खाना बनाते हैं। कितने लोग बनाते? चार। नाम बताओ चारों के। क्रांति, प्रेमवती, फूलवती, सेवावती। क्या खाना खाने के बाद बच्चे बीमार हुए थे? क्या दिए थे आप लोगों ने? लौकी की सब्जी, रोटी, लौकी की सब्जी, रोटी। हाँ। खाना कल का था क्या? आज ही बनाए? आज ही बनाए सुबह बनाए। तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों? खाना खाने के बाद बीमार हुए? नहीं, खाना खा के उन लोग स्कूल गए। अच्छा। 9:30 बजे खाना खाए। हाँ। 9:15 बजे ट्यूशन छूटती है। हाँ। 9:30 बजे खाना खाए उनने, और 10 बजे स्कूल के लिए चल जाते। उसके बाद ही तबीयत खराब हुई? हाँ, खाना खाने के बाद स्कूल गई हुई, स्कूल में बैठी हुई, वहाँ से तबीयत खराब हुई। कितने बजे तबीयत खराब हुई? आज इन लोग को वहाँ मैडम थी, मैडम ने खबर दी 12:00-1:00 बजे की तबीयत खराब। तो तब से अब तक अब जाके क्यों लेके आए? कितने लेरासियम लेके आए? चलिए डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कितने बच्चे आए हैं और अभी क्या स्थिति है, क्या हालात है? अभी 9 बच्चे आए हैं, इसमें से 2 बच्चे थोड़ा ज़्यादा गंभीर लग रहे थे, 5 पहले आ चुके थे, 4 बच्चे अभी हैं। क्या लगता है प्रारंभिक देखने से आपको? प्रारंभिक देखने से वही लगता है कि अभी तक तो फूड पॉइजनिंग का बताया है। जैसे प्रांसिया से रेफर हुआ है तो उनके प्राथमिक मुलायजा में भी फूड पॉइजनिंग लिखा गया, और अभी तक जो बताया जा रहे हैं फूड पॉइजनिंग का। बाकी बच्चे डिहाइड्रेटेड हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है प्राथमिक, और विशेषज्ञ को भी, शिशु रोग विशेषज्ञ को भी बुला लिया गया है, तो वो भी उनके ऑब्जर्वेशन में बच्चे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर। अभी स्थिति कैसी है बच्चों?
अभी बाकी लोगों की सामान है, कुछ एक दो बच्चे हैं जिनका थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो उन पर हमारा ज़्यादा अभी ठीक है। जिस पानी गटकते ना वैसा दुर्भाग्य से हमारे शरीर का हर अंग प्रत्यंग कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का भान हमें तब होता है जब वह अंग ना हो या फिर उस अंग में कोई रोग हो जाए। इसलिए बड़े बुजुर्ग तो यह तक कहकर गए हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। तो जब तक हम स्वस्थ हैं, क्यों ना हम अपने शरीर का बेहतर ध्यान रखें। आज हम बात करेंगे उस खास अंग की जो मोती सा चमके तो मुस्कान में चार चांद लग जाते हैं और ना हो तो शक्ल भी पहचान नहीं आती। दांत स्वस्थ तो पाचन दुरुस्त, लिहाजा हमने बात की BDS MDS पारियोडोटिक्स विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर गुरफान दानिश खान से। डॉक्टर, इन दिनों वर्ल्ड वाइड जो रिपोर्ट आ रही है दांतों को लेकर के, दांतों की समस्या को लेकर के, उसमें भारत सबसे अव्वल है। भारत में सबसे ज़्यादा दांतों के पेशेंट हैं, या दांत नहीं होने से या दांत गिर जाने से जो बीमारियां होती हैं उनसे। इस सब के पीछे आप क्या कारण पाते हैं? देखिए, जिस तरह से मुझे लगता है मेरे पेशेंट्स आते हैं बताते हैं, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया हूँ, हमारे देश की परम्परा रही है, लोग बहुत ज़्यादा पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, सुपारी खाते हैं, उनकी वजह से उनके दांतों में बहुत प्रॉब्लम आती है, उनके मसूड़े फूल जाते हैं। सुपारी एक ऐसा पदार्थ है जो आपके मुंह को खुलने से रोकता है, आपके गालों में फाइब्रस उत्पन्न करता है, फाइब्रस बैंड उत्पन्न करता है, जिससे आपके दांत की खुलाई जो है वो बंद हो जाती है और वो आगे चल के कैंसर का एक कारण बनता है। और फिर जैसे दांतों की सुपारी दांतों के बीच में फंस जाती है, वो मसूड़ों के अंदर जाके इन्फेक्शन पैदा करती है, इन्फेक्शन से बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं जो कि आपकी हड्डियों को गलाते हैं, मसूड़ों को गलाते हैं, जिससे कि पेशेंट्स को दिक्कत आती है। और आजकल देखा जा रहा है कि आजकल के यूथ जो बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, उससे भी काफ़ी ज़्यादा दांतों में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उसमें जो चीज़ और सब स्टिकी फूड जो है वो दांतों में फंस जाता है, वो दांतों में सड़न, कीड़ा बनाता है, कैरीज उत्पन्न करता है। डॉक्टर साहब, जैसा हमारे यहाँ का छिंदवाड़ा का भी जो खान पान है और ख़ास तौर से गुटके का खासा प्रचलन है और दूसरी चीज़ें भी जो यहाँ भोजन में ली जाती हैं, उनको लेकर के आप किस तरीके से कहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें सावधानी बरतनी चाहिए, किन चीज़ों को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, दांत अपने बचाए जा सकते हैं कैसे? जी देखिए, छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं तो एक बात बता देता हूँ कि छिंदवाड़ा में भी गुटखा सुपारी बहुत चलती है। अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग उसके प्रति जागरूक हो रहे हैं, अब लोग धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, मगर फिर भी अभी इतने पेशेंट्स हैं सुपारी गुटखा खाने वाले जिनको कैंसर हो रहा है। मेरे पास बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स आ रहे हैं अभी, जिन्हें हम एडवाइस करते हैं कि आप वो तो टोटल बंद कर दीजिए और उसे खाना बहुत हानिकारक है, तो उसके हिसाब से बहुत पेशेंट्स अभी आ रहे हैं। वैसे अवेयरनेस बढ़ रही है तो लोग बंद भी कर रहे हैं चीज़। और सबसे बड़ी बात, आपको पता है कि छिंदवाड़ा कौन सिटी है, मक्के का उत्पादन छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा है, तो अभी इस बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे रेशेदार कोई भी खाना हो जो दांतों में फंसता है, आप खाएं, बिल्कुल खाएं, मक्का स्वादिष्ट है, छिंदवाड़ा का मक्का बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, स्वीट कॉर्न और भुट्टे जैसे अभी मिलते हैं बारिश के समय पर, तो उसे दांतों में फंसने ना दें। अगर वो दांत में फंसता है या फिर कोई भी स्टिकी फूड दांत में फंसता है, तो आप खाना खाने के बाद उसे तुरंत साफ़ करें और उस स्टिकी फूड को वहाँ से निकाल दें, तो आपके दांत अच्छे, काफ़ी समय तक अच्छे चलेंगे।
और क्या बताना चाहेंगे अभी इस मौसम में, और क्या खास एहतियात बरतनी चाहिए हमारे दर्शकों को? जी, मैंने जैसे बोला कि आप कोई भी खाना खा रहे हैं, चाहे वो स्टिकी फूड हो या कैसा भी हो, आपको सबसे पहले तो ब्रश दो टाइम करना है, सुबह और रात में सोने से पहले। जब आप उठते हैं तो उसके बाद ब्रश तो करते ही हैं, मगर आदत ये भी डालें कि आप रात में सोने से पहले ब्रश करें। और जब भी आप कुछ भी खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद अच्छे से कुल्ला कर लें, दांतों की सफाई अच्छे से रखें, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है अगर कोई भी खाना दांतों में फंसेगा तो आपके मसूड़े खराब होंगे, आपके दांत खराब होंगे। अच्छा, और मान लीजिए कि दांत में मसूड़े में कुछ फंस ही जाता है और वो स्वेलिंग भी हो जाती है, तो हमारे पास और क्या रास्ता है, हमारे दर्शकों के पास और क्या रास्ता है कि हम निकालने की कोशिश करें या फिर डॉक्टर्स की शरण में ही जाएं, यानी जेब मोटी करके? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देखा गया है, ये सभी जानते हैं, अगर दांतों में कुछ फंस जाता है या फिर सूजन आ जाती है तो लोग पिन का यूज़ करते हैं। पिन बहुत हानिकारक है, पिन से उन्हें सेप्सिस हो जाता है और मवाद बन जाता है जो बॉडी के लिए हानिकारक है, आपके दांतों के लिए हानिकारक है, आपके दांतों की हड्डी के लिए हानिकारक है। तो ये तो ऐसा तो नहीं है कि जेब ढीली करना पड़ेगा या फिर कोई भी, आप अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें, वो उसका बेहतर और सही उपचार करेंगे। खबरों वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहें सिटी हलचल। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा, और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर स्वर्ग सा जहां, 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 2322244। श्री राणा मैरिज लॉन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में उछाल पर एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। बस एसोसिएशन सेवा समिति छिंदवाड़ा ने विरोध दर्ज कराते हुए पुतला दहन किया। डीजल पेट्रोल हाय 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 हाय, डीजल पेट्रोल 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 हाय हाय, डीजल की कीमत कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, कम करो। यहाँ पुतला दहन किया जा रहा है, जो भी भाई डीजल पेट्रोल उपयोग कर रहे हैं उसके जल से महंगाई बढ़ रही है। केंद्र सरकार अगर हमारी आवाज नहीं सुनी गई तो हम इसके लिए किसान पुतला दहन, किसान पुतला दहन, किसान पुतला दहन, पुतला दहन। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, डीजल पेट्रोल,
बस एसोसिएशन सेवा समिति, राजनीतिक संगठन, गैर संगठन, ऑटो रिक्शे के चालकों ने यहाँ पर जो पुतला दहन किया है, हम आपके माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। हमने पहले भी इस बारे में ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री महोदय को कि डीजल पेट्रोल की रेट कम किए जाएँ, परंतु कोई जब परिणाम नहीं आया, तो आज हमने यहाँ पर पुतला दहन किया है। आने वाले समय में इस पर ये आंदोलन और तेज होता जाएगा। हम लोग चक्का जाम भी करेंगे, महंगाई के विरोध में अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँगे। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो इसका खामियाजा सरकार को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। आज अपने घमंड में चूर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार गरीबों पर जो कहर ढा रही है, महंगाई, टैक्स, उससे बढ़ते जो गुड्स हैं, उन सब के ट्रक के मालिकों ने भी इस पर अपना विरोध प्रकट किया है। और अगर महंगाई कंट्रोल करना है, महंगाई को कम करना है, तो डीजल और पेट्रोल के भाव में जब तक कमी नहीं होगी, तब तक आए दिन हर चीज़ बढ़ रही है। धन्यवाद। विश्वकर्मा बड़े समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आज संगठन अध्यक्ष लेखराम विश्वकर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। भूमि पूजन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, भूमि पूजन हो चुकी है। एक दो दिन जाके देख लो, निरीक्षण कर लो, उसके बाद काम शुरू कर। काम शुरू करवाए बचा है, कार्यालय बनाओ, आज धुनी वाले दादा के दरबार में श्री विश्वकर्मा बड़ई समाज की बैठक आहूत की गई है, जिसमें आगामी 17 सितंबर को होने वाली विश्वकर्मा जयंती की भव्य तैयारी को लेकर विशेष चर्चा की जा रही है। अध्यक्ष हमारे लेखराम जी विश्वकर्मा और सचिव मुरलीधर जी विश्वकर्मा की अध्यक्षता में सभी पदाधिकारी बैठकर इस पर विशेष चर्चा और तैयारी पर रूपरेखा बनाई गई है। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संगठन की जिला इकाई के पुनर्गठन को लेकर आज जनपद पंचायत सभा कक्ष में बैठक संपन्न हुई। बैठक के नतीजों का इंतजार था। छिंदवाड़ा से ये परेशान करते हैं, छिंदवाड़ा के ही, और वो बंद लगा दिया, वो सेटअप चालू हो जाता है। साथियों, मुझे बड़ा दुख होता है और ये दर्द पंचायत सचिव का है, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत दर्द नहीं है, मेरे पास कोई भी व्यक्ति जाएगा, मैं उसको अपनी, वो अपनी बात रखेगा, मैं अपनी बात रखूंगा, दो मिनट में मेरे पास ले आएगा, ठीक है भाई, क्योंकि ऐसे मीडिया वाले मेरे पीछे खूब लगे। लेकिन कहे कुछ नहीं, क्यों, मैं कहीं गलत ही नहीं हूँ, और जो उनका उद्देश्य है वो मैं पूरा कर देता हूँ। उसके बाद उससे भी आधा दे दो, उससे भी आधा दे दो, तो भी हमारे जिले का सम्मान आगे बढ़ता है। और मैं ये भी नहीं कहना चाहता किसी के हाथ में पैसा नहीं दिया, सब के हाथ में पैसा दिया है, लेकिन सिस्टम से नहीं दिया। दो किस बात का, इसलिए शर्मा जी जब भी बोलते हैं या तो कला भाई को बोलेंगे फोन पे या मेरे को, अब सबके सामने इस बोलने कहने के लिए बात रखनी है। साथियों, अगला है एक और चर्चा हुई थी बैठक में कि जो कमिश्नर साहब के लिए हमारा जो कमिश्नर है, मैंने आपसे बात किया था, तो शर्मा जी से बात कर रहा था कि माननीय शर्मा जी जब पहले हमें SDM कार्रवाई करते थे, उस पर कलेक्टर साहब करते थे और उसके बाद कमिश्नर करते थे, तो अभी जो आपने जो कि नया आदेश जारी करवाया है, उसमें भोपाल कमिश्नर को हमें आवेदन करना पड़ता है, बहुत से ऐसे सचिव। अच्छी बारिश की कामना से चंदनगांव पंप हाउस कॉलोनी में आज अखंड रामायण पाठ का आयोजन महिला मंडल द्वारा किया गया। Thank you.
कलेक्ट्रेट के सामने स्थित पीपलेश्वर हनुमान मंदिर में 20 जुलाई शनिवार से संगीत में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया था। आज पाठ का समापन पूजा अर्चना कर भंडारा प्रसाद वितरण के साथ हुआ। मानसून के इंतजार के बाद रूठे इंद्रदेव को मनाने हर तरह के उपाय प्रारंभ है और आखिरी उम्मीद ऊपर वाले से ही है। पेंशन सदन में सीनियर सिटीजन ने भी अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया है। मध्य प्रदेश पेंशन समाज के सदस्यों ने, वरिष्ठ जनों ने, ये अभी जो वर्तमान में शहर में जो पानी नहीं गिर रहा, इसके कारण हम सभी लोगों ने निश्चय किया कि ईश्वर से अनुष्ठान कर हनुमान जी को प्रार्थना करें कि हमारे शहर में और अतिवृष्टि हो, जिससे कि समूचा समाज शांति में तरीके से अपना जीवन निर्वाह करें, गरीबों का उत्थान हो और शांति कायम। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। सुर्खियों के प्रायोजक हैं सत्कार हीरो, 30 वर्षों का विश्वास। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सत्कार हीरो, 30 वर्षों का विश्वास। छिंदवाड़ा की बेटी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल, लगा बधाइयों का तांता, शुभकामनाएं देने पहुंचे संगठनों के प्रतिनिधि। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ने से लगी जेबों में आग, बस एसोसिएशन सेवा समिति ने पुतला फूंका।
भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा परिवार, सदस्यता अभियान में वार्ड वार्ड पहुंच रहे नेता। और अच्छी बारिश के लिए ऊपर वाले को मनाने में जुटे लोग, कहीं अखंड रामायण तो कहीं भंडारा। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।